नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइफ प्रीति। और आज मैं आप लोग को बताऊंगी बहुत ही खुले डुल्ले सूट को फिटिंग कैसे करें बिल्कुल अपने नाप का। तो इसको आप देख सकते हैं, हिप से तो बहुत ज़्यादा लूज़ है, कमर से भी लूज़ है। तो आपको जो सूट का साइड होता है उसको भी मैं करके बताऊंगी कि कैसे करना है लूज़। तो सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कितना ज़्यादा खुला है। तो ये देखिए, ये लगभग 20 इंच खुला है और चेस्ट से 19 इंच है, और जो हिप हमारा है ये है 23 इंच, ये लूज़ है। तो हमको इसे 20 इंच करना है, कमर जो हमारा है हिप है और कमर करना है 17। तो चलो करते हैं। ये भी देखो बहुत ज़्यादा घेरा भी कम है, तो आज आपको घेरा भी कम करना मैं बताऊंगी। बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले इसको हम खोल लेंगे जो बाजू के साइड में बंद है। और अब हम लेंगे चेस्ट का नाप, तो चेस्ट का हमने 19 किया है। और उसके बाद अब कमर हम 7.5 इंच पर ले रहे हैं, और कमर को हम करेंगे यहाँ से। सबसे पहले आपको सीधा निशान लेना है कि कमर के कहीं टेढ़ा टूढ़ा ना हो, तो बीचों बीच रखना है। तो हमें 17 लेना है, तो 8.5 पे बीचों बीच रखेंगे और 7 इंच और उधर लेंगे, तो हमारे 17 इंच बीचों बीच का हो गया। अब हम हिप का नाप लेंगे, तो हिप हमारा यहाँ है ऑलरेडी, ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे जहाँ से पहले हिप की निशान बनी हुई है। और अगर ऊपर से आप लेना चाहते हो तो 21 इंच लेना होता है, 21 इंच सही होता है। तो 10 इंच हमने बीचों बीच रखा है और 10 इंच उधर, 10 इंच इस साइड, हमने 20 इंच पे निशान लगा लिया। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ लगभग 1.5 इंच कपड़े छूट रहे हैं, तो 1.5 इंच हमें दबाना है। तो वही मैं आप लोग को बताऊंगी किस तरह से दबाएं। तो ये एक दूसरे से मिला लेंगे हिप कमर और चेस्ट सारा कुछ इस तरह से, बहुत इजी तरीका मैं आप लोग को बता रही हूँ। इसको करने के बाद हम लगाएंगे सिलाई। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये चेस्ट कमर के बगल में जो सारा कपड़ा बचता है वो हम निकाल देंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करना है, ठीक है। तो चलो पहले सिलाई मारते फिर इसके बाद फालतू के कपड़े निकालते। तो हम बाजू से स्टार्ट करेंगे, तो बाजू से भी हमें ज़्यादा नहीं टाइट करना है, सिर्फ एक एक पैर की दूरी पर टाइट करना है। और यहाँ पर इस तरह से निकाल लेना है बाजू के पास से, जितना हमने निशान लगाया ये आधी आधी इंच दोनों तरफ टाइट करना है। और फिर हम जितना हम बाजू में लिए उतना यहाँ से आधी इंच ऊपर से लेंगे और हिप की तरफ आएंगे। ये देखिए हिप का जहाँ पे निशान लगा है वहाँ पे मैं मशीन ले आई हूँ, और इस तरह से करते करते मैं हिप तक जाऊँगी, मतलब कमर से हिप तक। ये देखो यहाँ सुई चुभाया और फिर उल्टा घुमाया, ठीक उसी सिलाई पर हम सिलाई लगाएंगे। तो अब हम निकाल लेंगे इसको। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक पूरा लग गया। अब ये जो बाजू है इसको हम जॉइंट कर लेंगे एक दूसरे में जो हमने खोला था, इस तरह से ज़्यादा सही होता। कई लोग क्या करते हैं सीधा सिलाई मार देते तो यहाँ पे सिकुड़न आ जाती है, अच्छे से फिटिंग नहीं आती। तो इस तरह से आप करोगे तो एकदम फिटिंग आएगी, लगेगा ही नहीं कि हमने इसे ठीक किया है या टाइट किया है। तो ये हमारा हो गया। अब सेम मैं दूसरी तरफ भी ऐसे ही करूँगी, बाजू से लेके यहाँ तक करने के बाद सेम जैसे उस साइड किया था उस, और सेम इसी साइड भी ऐसे ही करना है हमको। तो ये हमने कर लिया। अब हम जो हमारा फालतू का कपड़ा उसको हम काट लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े बचते हैं तो शेप नहीं आता उतने अच्छे से। तो इसको हमने कट कर लिया है और ये देखो ये खुल गया है। तो इस तरफ भी हम काट लेते हैं और इसको अब हम प्रेस करेंगे, अच्छे से बैठाएंगे जो साइड वाला है, और उससे फिर तिरपाई करेंगे। अब देखो मैं यहाँ आ गई और इसको मैंने काट लिया था, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कपड़े साइड में है, तो ये मैं जो पहले से तिरपाई हुआ था उसको मैं कट कर लूँगी वो कपड़े, क्योंकि मैं फोल्ड करूँगी तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा खोल लूँगी और काट दूँगी, और जो तिरपाई हुई है पहले की उसको भी मैं खोल लेती हूँ। ये देखिए तिरपाई खुल गई, और इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं जो कि जो निशान पहले का बना हुआ है वो मिट जाए। इस तरह से करने के बाद अब हम अपने तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। अब इतना हम फिर इसको फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से करने के बाद हम नीचे की तरफ भी फोल्ड किए और यहाँ भी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके अब मैं स्टेपलर मार लेती हूँ। कच्चा करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं स्टेपलर ही मारती हूँ। ये थोड़ा मेरा स्टेपलर नहीं ठीक है, तो स्टेपलर मारने से कपड़े इधर उधर नहीं होते, हमें तरपाई करने में आसानी होती है। तो चलो मैं तरपाई कर लेती हूँ फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो मैंने सारे साइडों में मतलब स्टेपलर मार दिया, और ये देखिए फ्रेंड मेरा सूट हो गया रेडी। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे शेप में आया है।
आप पहले की फ़ोटो देख लेना, इतना अच्छा शेप नहीं बना था। और ये देखो 18 18.5-19 मेरा चेस्ट हो गया है, और जो कमर है वो देखो 17 इंच हो गया, जो कि ये 19 था। और जो ये मेरा हिप है ये देखिए आप लोग 20 इंच हो गया, जो कि हमारा 23.5 इंच था, और हमारा घेरा भी 20 हो गया। तो इस तरह से